Hi guys, welcome to my channel. I am Sanya this side and if you're new to my channel, please do subscribe. आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है professional makeup vanity collection as a makeup artist. तो मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है मेकअप का एज अ मेकअप आर्टिस्ट जो मैं अपने क्लाइंट्स पे यूज करती हूँ, अपनी ब्राइड्स पे क्या क्या यूज करती हूँ एंड उसमें से मैं भी काफी सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ क्योंकि मैं भी रील्स बनाती हूँ. तो मैं भी, मेरे पास बहुत लेस एक्सपेंसिव भी है, मतलब जो लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, अंडर द रेंज ऑफ 200 और 300 भी है. कोई थोड़े एक्सपेंसिव भी हैं, पर मेरे पास ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है कि मैं बोलूँ कि मेरे पास नार्स के फाउंडेशन है या हुडा ब्यूटी के फाउंडेशन है. ये फाउंडेशन अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है बिकॉज मैं भी एज अ मतलब बिगनरी स्टार्ट किया, अभी मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब प्रोफेशनल मुझको अराउंड एक साल ही हुआ है. तो मेरे पास ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट हैं थोड़े थोड़े कि आप लोग उनको यूज़ कर सकते हो. वो एक ऐसा हाई एंड ब्रांड वर्क करते हैं वो प्रोडक्ट. तो मैं आज आपको दिखाती हूँ मेरे पास क्या क्या है. सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो मैं आपको मेकअप ना स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी. जैसे मैं पहले ब्रशेस के बारे में बताऊंगी, फिर मैं सीटीएम के बारे में, जिससे मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप इसलिए जा रही हूँ मैं मेकअप में, जिससे आपको भी नॉलेज होती जाए कि अच्छा पहले इसका यूज होता है. तो मैं पहले सीटीएम के बारे में बताऊंगी, फिर मैं कंसीलर यूज करते हैं, फिर हम फाउंडेशन यूज करते हैं, ये भी बताती जाऊंगी. और मैं बताती जाऊंगी प्रोडक्ट किस किस प्राइस में मतलब है. सो हम स्टार्ट करते हैं पहले ब्रशेज के. सो दीज आर द ब्रशेज दैट आई हैव. इसमें 25 ब्रशेज आते हैं. ये पीएसी के ब्रशेज हैं, इतने अच्छे ब्रशेज हैं. आई थिंक बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छे ब्रशेज हैं. प्लीज़ इग्नोर, आई नो बहुत गंदा है. ये सारे फेस के ब्रशेज हैं, ये आई मेकअप के ब्रशेज हैं और ये भी आई मेकअप के हैं. ये सब आईब्रोज के हैं और ये थोड़ा फाउंडेशन वगैरह एप्लीकेशन का. ये एक्स्ट्रा ब्रश है, ये उसमें नहीं है, ये मैंने इसमें रख लिया है. ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा ब्रश था इसलिए. बहुत अच्छे ब्रशेज हैं, समथिंग अराउंड 8000 पड़ता है ना. और इफ़ यू आर अ बिगनर और आप प्रोफेशनल भी हो ना, ये ब्रशेज बहुत अच्छे हैं और काफ़ी टाइम तक ये टिकते हैं. तो आप सच में इसके साथ ज़रूर जा सकते हो. सो ब्लेंडर के लिए मेरे पास दो तीन ब्लेंडर हैं. ये एक फॉरएवर 52 का है, ये प्लम का है और ये लोकली मैंने लिया था फोन नेक वगैरह के लिए. और ये एक पफ है पीएसी का. मेरे अकॉर्डिंग ये प्लम का बेस्ट ब्लेंडर है. अगर आप ब्लेंडर देख रहे हो अच्छा, तो दिस इज़ अ बेस्ट ब्लेंडर, बहुत अच्छा वर्क करता है. पता नहीं, मैंने बहुत टाइम से वॉश नहीं किए, बहुत गंदे हो गए हैं. सो इग्नोर इट प्लीज़. और ये थोड़े बहुत लेंसेज हैं मेरे पास, पीएसी के हैं और थोड़े फ्रेश लुक के हैं इसमें से. फिर माइसेला वाटर है मेरे पास और ये वाइप्स हैं फॉर क्लीनिंग द फेस. ये जॉवीज का टोनर है, ऑल स्किन टाइप टोनर, तो सारी स्किन पर चला जाता है. फिर मॉइस्चराइजर के लिए, ऑयली स्किन के लिए मेरे पास पॉन्ज़ वाटर जेल और ड्राई स्किन के लिए नीविया. बट अभी समर से तो मोस्टली सबकी ऑयली हो जाती है, तो पॉन्ज़ वाटर जेल बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अफोर्डेबल भी है, अराउंड 200 और समथिंग पड़ता है. ये मेरे को बहुत चाहिए. ये फॉर द प्राइमर आई हैव 3 प्राइमर. ये लैक्मी का है, ये कलरबार का है, ये एक्का ग्रुप का है. ये समथिंग अराउंड 300 है, ये समथिंग अराउंड 400 है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है 1200. ये वाटर प्रूफ करने के लिए आपके मेकअप को. एंड इफ आप समर में चाहते हैं अपना मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो आप ये ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा वर्क करता है. ये आपके मेकअप को सच में लॉन्ग लास्टिंग करता है. नाउ कम विद कंसीलर. कंसीलर के लिए मेरे पास ये एक इनसाइड कॉस्मेटिक की ये पैलेट है, ये काफ़ी अच्छी वर्क करती है, मैं डेली मेकअप में यही यूज़ करती हूँ. फिर मेरे पास ये डर्मा का एक कलर करेक्टर है, ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है. ये भी, ये मेरे पास स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, स्विस ब्यूटी कंसीलर बहुत अच्छे हैं. ये मेरे पास एक मेबिलीन का कंसीलर है. ये सारे फॉरएवर 52 के हैं, इसमें अलग अलग शेड हैं, 002 है, 001 है, 005, 006, 0 सारे शेड हैं इसमें. नाउ विद द फाउंडेशन, मेरे पास ये है एक स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन. ये दो फाउंडेशन है मेरे पास, मेबिलीन का एक है, रिकॉर्ड का फॉरएवर 52 का एंड एलेप्रोगल का. ये कुछ 300 पड़ता है, ये कुछ, ये आपको सबको पता है, ये सबके पास ही होता है मोस्टली, 500 समथिंग है. ये दो शेड हैं, ये फॉर द डार्क स्किन टोन, ये थोड़ा फेयर स्किन टोन के लिए है. रिकॉर्ड का समथिंग 800 है, फॉरएवर 52 का भी कुछ 800 है, ये समथिंग अराउंड 1200. बहुत अच्छा फाउंडेशन है. इफ यू हैव ड्राई स्किन डेफिनेटली गो विद दिस फाउंडेशन, बहुत अच्छा फाउंडेशन है. पर समझ के लिए आई फील, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो रिकॉर्ड का फाउंडेशन बहुत अच्छा है, तो आप इसके साथ जा सकते हो. ब्लश मेरे पास दो है, एक ही रिकॉर्ड का क्रीम ब्लश है, ये समथिंग 126 पड़ा था मुझे. और ये एक आई मैजिक का ब्लश है, बहुत अच्छा ब्लश है. ये ज़्यादातर सबके पास आपने देखा हो जो भी प्रोफेशनली वर्क करते हैं. फिर मेरे पास कॉन्टोर के लिए माई ग्लैम का कॉन्टोर है, काफ़ी अच्छा कॉन्टोर है. ये भी बहुत लेस एक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगा नहीं है. फिर ये मेरे पास फॉरएवर 52 का हाइलाइटर है,
समथिंग अराउंड 1300 है, काफी अच्छा हाइलाइटर है। बेस को सेट करने के लिए मेरे पास ये सारे पाउडर्स हैं। ये क्राइलॉन के, इसमें दो शेड है, एक तो TL2 है, एक TL4 है। ये दोनों इनसाइड के, दोनों बहुत अफोर्डेबल हैं। अगर आप डेली यूज के लिए देख रहे हो तो दोनों 195 के लिए। ये थोड़ा आप ना लो, मैंने थोड़ा रिग्रेट करी हूँ इसको लेकर, मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया। आप देख सकते हो ये तो मैं डेली यूज करती हूँ, ये बहुत मेरा काफी यूज भी हो चुका है। ये एक कॉम्पैक्ट पाउडर है 452 का, बहुत अच्छा वर्क करता है। ये मेरे पास आईब्रो डिफाइनर है, वो मेरे पास दो काजल है, एक शुगर का, मेबिलीन का। वो मेरे पास कलर बार का लाइनर है, कुछ 700 पड़ा था मुझे। एक मेरे पास मेबिलीन का मस्कारा है, और एक कलर है लैश वगैरह कर्ल करने के लिए, और ये काफी अच्छा कलर है। देन मेरे पास थोड़े बहुत ग्लिटर है, ये फॉरएवर 52 का ग्लिटर। ये दोनों ग्लिटर मेरे बहुत फेवरेट है फॉरएवर 52 से। ये तीन बॉम्बे वैनिटी से है, ये इंस्टाग्राम पे एक पेज है, वहां से आप देख लोगे, वहां पे आपको मिल जाएंगे। इसके भी अच्छे ग्लिटर है। ये ग्लिटर ग्लू है मेरे पास, टू वे जेल ग्लू है, ये PAC का है, बहुत अच्छे वर्क करते हैं, ग्लिटर्स भी बहुत अच्छे हैं ये। फिर हम आते हैं हमारी फाइनली माय फेवरेट पार्ट, पैलेट्स। ये मेरे पास है एक हुडा ब्यूटी की पैलेट, आज ही ये मेरे को रिसीव हुई है। मैंने नायका पिंक समर सेल से मंगाई थी, बहुत अच्छी पैलेट है, सबको ही पता है और सबका ड्रीम होता है ये। और फिर मेरे पास ये है एक माय ग्लैम की पैलेट, ये समथिंग 400 है, बट आई डोंट लाइक दिस पैलेट दैट मच, सो मैं फ्यूचर में बिल्कुल कभी बाय नहीं करना चाहूंगी इसको। सो उसके बाद है ये मिस रोज की पैलेट, ये मैंने बहुत पहले बाय की थी एंड आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया है। सो दिस इज नॉट ऑल्सो गुड पैलेट, पर मैंने इनको रख दिया कलेक्शन में, कभी ऐसे यूज आ जाए। बट सो ये दोनों पैलेट मुझे पर्सनली नहीं पसंद है। लास्टली जेम्स आलिस, ऑब्वियसली ये तो मतलब सबके पास मिल जाएगी, और अगर आप बिगनर हो, आपको चाहिए कि सारे कलर्स वगैरह मिलें, तो ये पैलेट बहुत अच्छी है, तो आप ये ले सकते हो। ये थोड़ी, जब मैंने ली थी तब तो 3400 की, अब ये थोड़ी 4000 हो चुकी है, सो सबके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो बेस सेट करने के लिए मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का स्प्रे है, बहुत अच्छा स्प्रे है, 195 कुछ आता है, सो बहुत सही वर्क करता है ये भी। सो अच्छा लॉन्ग लास्टिंग करता है मेकअप को, तो आप इसके साथ जा सकते हो अगर आप अच्छे स्प्रे के लिए देख रहे हो तो। फिर मेरे पास ये लिप लाइनर है, इसमें 12 लिप लाइनर है स्विस ब्यूटी के, मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें 12 लिप लाइनर आते हैं, आप देख सकते हो। ये मैंने सबसे ज्यादा यूज किया है, ये इन द शेड है चौको ब्राउन और समथिंग है। अगर आप सारी नहीं लेना चाहते तो आप ये एक सिंगल ले सकते हो, आप कोई सी लिपस्टिक लगाओ उसमें वर्क कर जाएगा, बहुत अच्छे लिप लाइनर है। अगर आप अफोर्डेबल में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो उसके लिए। फिर अब हम आते हैं लिपस्टिक की तरफ। लिपस्टिक के लिए मेरे पास है ये पूरी फॉरएवर 52 की पैलेट, सो मेरे को ज्यादा लिपस्टिक लेने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पैलेट से ही बन जाती है मेरी लिपस्टिक्स। सो ये कुछ मुझे कॉस्ट करी थी अराउंड 2200 कुछ कॉस्ट की थी, और थोड़ी बहुत ये लिपस्टिक है, ये 100 रुपीज की, यही लिपस्टिक मैंने अभी लगाई हुई है। ये स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक है, मैं आपसे कहूंगी आप कभी बाय ना करिए, स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों बस नहीं अच्छी लगी। फिर उसके बाद ये लिप ग्लॉस है स्विस ब्यूटी की, ये अच्छी है, आप ये जरूर ले सकते हो। एंड फिर ये थोड़ी बहुत माय ग्लैम की लिपस्टिक है, आई थिंक माय ग्लैम की लिपस्टिक बहुत अच्छी है पर बहुत ज्यादा ड्राई होती है, बस यही एक फैक्टर है। उसके बाद ये एक एलिप्रोवल की लिपस्टिक है मेरे पास। उसके बाद ये मेबलिन की तो लिपस्टिक बेस्ट होती है ऑब्वियसली, और स्मेल उनकी वाह होती सही होती है। ये थोड़ी बहुत बिन्नी है ब्राइड्स वगैरह के लिए या क्लाइंट वगैरह को चाहिए होती है, तो ये भी जरूरी होता है। लास्टली मेरे पास ये एक लैश ग्लू है फॉर लैशेस। सो दिस इज माई होल मेकअप वैनिटी कलेक्शन जो भी था मेरे पास। सो दिस इज द होल मेकअप कलेक्शन दैट आई हैव एज अ मेकअप आर्टिस्ट, कि मेरे वैनिटी में क्या क्या था, तो यही एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट मेरे पास यही कलेक्शन है। और मैंने ऑनेस्टली रिव्यूज दिए हैं आपको कि मेरे को कोई प्रोडक्ट अगर नहीं पसंद तो मैंने आपको बता दिया, वो मैंने कुछ शुगर कोट नहीं किया इसी वजह से, क्योंकि मेरे को ऑनेस्ट ही आपसे रखना है, आई डोंट वांट टू शुगर कोट एनीथिंग। सो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स जाननी हो, कि लिंक वगैरह जाननी हो और कैसा वर्क करता है या कुछ भी, तो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से। इन फ्यूचर ऑब्वियसली आई एम गोना बाय नार्स हुडा ब्यूटी और थोड़ी और एक्सपेंसिव साइट पर जाऊंगी, जिससे मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे वो वर्क करते हैं। तो ऑब्वियसली मैं उनकी भी वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए जब भी मैं बाय करूंगी। सो यू गाइस कैन आस्क एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, आपको किसी भी प्रोडक्ट से कुछ भी डिटेल जाननी हो। सो आई एम गोना एंड दिस वीडियो हेयर इटसेल्फ। सो प्लीज गाइस डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, सब कुछ कर देना। बाय गाइस, लव यू ऑल।